आज की लैब का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस लैब सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट जिटसी मीट्स सेल्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। उसमें हमने डिटेल में यह चीज़ देखी थी कि जिटसी मीट एप्लीकेशन क्या है, आप इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो अभी इस लैब के सेशन के अंदर हम इस जिटसी मीट ऐप को डिप्लॉय करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं इस लैब के अंदर। हमने लैब के पार्ट टू के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी थी। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जिटसी क्या चीज़ है। ये एक फ्री ऑफ चार्ज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार्स और इस किस्म की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो जस्ट लाइक जूम आप यूज़ करते हैं, लेकिन जूम एज अ क्लोज सोर्स एप्लीकेशन है। आप उसको फ्रीली यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका वो आप अपने सर्वर के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर सकते ऑन सेल्फ होस्टेड सर्वर। तो जबकि जिटसी मीट इसी तरह की एक वीडियो एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन, बट इट हैज़ द फीचर यू कैन यूज़ इट ऑन एनी ऑफ योर सेल्फ होस्टेड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। सो हम इसको सेटअप करेंगे डेबियन 10 के ऊपर। एक सर्वर होगा होस्टेड सर्वर, क्लाउड के ऊपर सर्वर परचेज है, और उसके ऊपर मैं डिप्लाई करके आपको बताऊँगा कि ये एप्लीकेशन किस तरह सेटअप होती है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इसके फीचर थे। कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। शेयर योर कंप्यूटर स्क्रीन विद अदर्स, प्रेजेंटर मोड भी है इसमें, मॉडरेटर मोड है, उसके बाद कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड है, उसके बाद अगर हम कोई भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग क्रिएट करते हैं तो उसको हम उस पर पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी भी है इसमें, ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप लगा सकते हैं। और इसमें दो और फीचर थे, रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग, यूट्यूब स्ट्रीमिंग, और आप कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो फीचर जिटसी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसके साथ एक और इसका एक पैकेज यूज़ होता है जिसे कहते हैं जिबरी। तो जिबरी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं कि आप मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकें और स्ट्रीम भी कर सकें यूट्यूब के ऊपर। तो इसको अगर हम इसके इंस्ट्रक्शन देखें, इंस्टॉलेशन, इसमें दो प्रोटोकॉल ये इंक्रिप्शन के यूज़ हो रहे हैं। एक है डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एक्सटेंशंस टू एस्टैब्लिश की फॉर द सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसमें आपका जो भी डेटा या कम्युनिकेशन इस एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है वो आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, उसमें ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डेटा इनक्रिप्ट करने के। और अब इसके इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस हमने लास्ट लाइन में डिटेल में देखी हैं, अभी हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं लाइव सर्वर के ऊपर। लेट्स से इस टाइम पे मैं जो डोमेन नेम यूज़ कर रहा हूँ वो है vc.onlineset.com, और इसका सर्वर ये सेल्फ होस्टेड है डेटा सेंटर के ऊपर, और इसका इस टाइम पे आईपी ये है और इसकी डोमेन नेम ये है। तो आप आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, एक्सेस कर सकते हैं और डोमेन नेम से। Let's say I'm accessing it via IP address, so onlines.com. इसके बाद मैंने इसे एक्सेस कर लिया, उसके बाद रूट इसका यूजर नेम है। और ये इसका पासवर्ड है। So अब हमारे पास दो तरह की फाइल्स हैं, एक इंस्ट्रक्शन फाइल है और एक आपकी एक आपने SSH कर लिया एक सर्वर को। अब सबसे पहले स्टेप में हमें ये करना है कि इसके पैकेजेस अपडेट कर देने ताकि किसी किस्म की भी डिपेंडेंसी अक्कर ना हो। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी सिस्टम अपडेटेड था तो अपडेट कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, उसके बाद आपने अपडेट भी कर देना सेकंड स्टेप। ये अपडेट भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने चेक करना है कि इसका होस्ट नेम
जो आप डोमेन नेम यूज़ करें वही उसका होस्ट नेम है, तो आप देख लें कैट etc होस्ट नेम, तो होस्ट नेम आपका bc.onlinesearch.com है जो कि करेक्ट है। और इसी तरह आप DNS डोमेन नेम माइनस एफ में फ्रीक्वेंट डोमेन नेम, सो ये सब डोमेन है इसलिए bc.onlinesearch.com। और अगर इसका आपने डोमेन नेम देखना है तो डोमेन नेम इस टाइम पे onlinesearch.com है, ये आपको शो हो रहा है। ये हो गया स्टेप टू। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने देखना है कि आपने इसके प्री रिक्विजिट पैकेजेस इंस्टॉल करना है। तो इसमें दो पैकेजेस प्री रिक्विजिट हैं, एक तो है GNUPG के नाम से और एक है ऐप ट्रांसपोर्ट HTTPS। ये दो पैकेज आपने इसकी डिपेंडेंट पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना। इसको मैं यस करता हूँ। तो इस कमांड से क्या हुआ है कि ये डिपेंडेंट पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं इस टाइम पे। अब अगला स्टेप ये है कि अगर आप डिफॉल्ट डेबियन को देखें तो डेबियन की रेपोजिटरी जिस उस रेपोजिटरी में आप जिटसी का जो पैकेज है वो उस रेपोजिटरी में ऐड नहीं है। तो अगर आप जिटसी का पैकेज अगर ऐप इंस्टॉल जिटसी मीट ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना चाहेंगे तो इधर इस टाइम पे कमांड नॉट फाउंड आ जाएगा या एरर आ जाएगा पैकेज नॉट फाउंड। तो इस चीज़ को आपने एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले इस जिटसी के जो पैकेजेस हैं उनको रेपो में ऐड कर देना, जो डेबियन की रेपोजिटरीज हैं उसमें ऐड कर देना। इन कमांड से ये पैकेज ऐड हो गया। अब आप इसको अपडेट करेंगे ताकि रेपोजिटरी अपडेट हो जाए। तो इस कमांड रेपोजिटरी को अपडेट कर दिया। अब उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम जिटसी का पैकेज जो है उसको हम प्रॉपर इंस्टॉल करके देखेंगे। तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो आप कमांड यूज़ करते हैं वो है apt install jitsi meet, apt install jitsi meet। अब इसमें ये ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आप से एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर आपको डोमेन नेम मेंशन करना है जो डोमेन नेम इस ऐप को रन करने के लिए यूज़ होगा। तो लेट्स से मैंने डोमेन नेम सेट किया vconlinesearch.com, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अभी इंस्टॉल हो चुके हैं, ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। अब इस ये डोमेन नेम इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको SSL TLS सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं ताकि ये इसकी जो डोमेन नेम है ये HTTPS प्रोटोकॉल के साथ रन हो, बिकॉज आपका WebRTC प्रोटोकॉल जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजिंग वेब आप जो कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड हैं WSS वेब सॉकेट वेब सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल WS वेब सॉकेट प्रोटोकॉल, और उनके एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक डोमेन नेम रिक्वायर्ड होती है और उस पर SSL इंस्टॉल होना चाहिए, ये इसकी प्रीरिक्विजिट है। तो हम अब SSL इंस्टॉल करके देखते हैं। SSL के लिए ये एक लेट्स इनक्रिप्ट का शेल स्क्रिप्ट है जो कि जब आप जिटसी का पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इस डायरेक्टरी के अंदर इस टाइम पे स्क्रिप्ट इस डायरेक्टरी में अगर आप जाएं तो इधर पड़ा होगा। लेट्स से हम चेक कर लेते हैं यूजर शेयर जिटसी मीट स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल, ये डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी में आ जाए तो ये एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो ये कमांड लगा दें। अब एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपसे पहला काम क्या पूछ रहा है कि इंटर द ईमेल एड्रेस, तो ये आपने एक ईमेल देनी है ताकि किसी किस्म की भी नोटिफिकेशन या सर्टिफिकेट से रिलेटेड आए तो उस ईमेल पे आपको रिसीव हो जाए। बाकी ये शेल स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ये SSL इंस्टॉल कर दे।
अभी इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली SSL में आपके पास ना दो सर्टिफिकेट क्रिएट होते हैं, एक तो होता है ये वाला सर्टिफिकेट पैम फाइल और दूसरी होती है प्राइवेट की। ये दो कीज आपको SSL क्रिएट करते हुए रिक्वायर्ड होती है जो कि आप जनरेट करते हैं। तो आप ये जो फ्री लेट्स इनक्रिप्ट के थ्रू आप SSL जनरेट करते हैं उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स होती है। तो अभी इसको देखें तो ये 22nd सितंबर सितंबर तक है इसकी एक्सपायरी। फिर उसके बाद अगर आप इसको दोबारा रीन्यू नेक्स्ट 3 मंथ के लिए करना चाहते हैं तो आप एक ये कमांड लगा दें सेट पोर्ट ऑटो न्यू, तो ऑटोमेटिकली वो अगले 3 मंथ्स के लिए उसको एक्टिवेट कर दें स्क्रिप्ट के अंदर, ये कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दें। अब आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है, अब आपने इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेना कि वाकई ही ये ओपन हो रही है। अब ये देखें तो आपके पास ये जिटसी की फ्री एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स क्रिएट करते हैं। लेट्स से इस टाइम पे मैं एक मीटिंग क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क में लिखता हूँ। ये मैंने एक मीटिंग बनाई और ये मीटिंग का नाम है और इसको मैं गो कर देता हूँ। जब आप गो करेंगे तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि कोई भी पर्सन या कोई भी यूज़र जो इस लिंक को विज़िट करेगा vc.onlinesa.com उस पर जाने के बाद वो मीटिंग क्रिएट कर सकता है। मीन इसमें किसी किस्म की ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं। लेट्स से अगर मैं इसको अलाउ करता हूँ, मैं अलाउ कर रहा हूँ कैमरा और इसके अंदर अभी एक यूज़र लॉगिन हो गया और मीटिंग, ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। अब आप इसको अगर प्राइवेट टैब में ओपन करता हूँ, लेट्स से मैं एक और यूज़र एज अ गेस्ट यूज़र के तौर पर, अगर आप इसको देखें, मैं आपको दो एक और तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप इधर जाएं तो इधर आपको ये लिंक शो हो रहा है, मीटिंग का लिंक है। तो ये आप लिंक गेस्ट यूज़र से शेयर करेंगे जिसके थ्रू गेस्ट लॉगिन, जो भी गेस्ट यूज़र होगा वो लॉगिन कर सकता है, इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो लेट्स से इस लिंक को क्लिक किया, इसको अलाउ किया। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये अभी जिसकी मीट इंस्टॉल होके शो हो रहा है। अब आपने एक रूम क्रिएट किया, लेट्स से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के नाम से, क्लिक किया आपने, चलो मैं इसको भी कैमरा और माइक्रोफोन में ज़रा, मैं इसको माइक्रोफोन को इस टाइम पे अलाउ नहीं कर रहा। तो अभी मैंने इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया, अब मैं इसे ऑफ रखता हूँ और इस लिंक को एज अ गेस्ट मैं ज्वाइन करता हूँ इसी मीटिंग को।
और ये दोनों में एक ही मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ। तो इधर कोई भी यूज़र ने पासवर्ड इस टाइम पे नहीं पूछा जा रहा, मीन नो ऑथेंटिकेशन। तो अब हम देखते हैं कि हम ऑथेंटिकेशन कैसे लगा सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए आपके पास एक स्क्रिप्ट फाइल होगी। लेट्स से दिस इज द स्क्रिप्ट फाइल। एक स्क्रिप्ट फाइल है, आप ओपन कर लें इसको। अब इसके अंदर अगर आप इस लाइन पे जाएं ऑथेंटिकेशन पे, तो इधर लिखा हुआ है अनोनिमस कि हर बंदा इसको यूज़ कर सके। तो हम क्या करते हैं कि इधर हम ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं इंटरनल प्लेन, इसको कंट्रोल एक्स करके सेव कर देते हैं। उसके बाद हम एक और फाइल है जिकोफो के नाम से, कोफो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस फाइल में हमें जाना है और ये वाली डोमेन ऐड कर देंगे। इस तरह डोमेन भी ऐड होगी। अब हमने यूज़र क्रिएट करना है जो कि वैलिड यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक कमांड है जिसमें कमांड का नाम ये है प्रोसीड्यूटी सी टी है, पर रजिस्टर इसका एक पैरामीटर है, यूज़र नेम दूसरा पैरामीटर है, आगे डोमेन नेम तीसरा पैरामीटर है, एंड फोर्थ इस पासवर्ड। सो इसको इस कमांड के थ्रू हम एक यूज़र क्रिएट करें कॉम सेट्स, जो कि इस डोमेन पर लॉग इन होगा और आगे इसका पासवर्ड कॉम सेट है। इसी तरह सी यू आई दो में यूज़र बना रहा हूँ, तो ये दोनों यूज़र बन चुके हैं। अब यूज़र बनाने के बाद आपने इसकी जो जितनी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज की हैं उसकी सेटिंग अप्लाई करने के लिए एक दफ़ा सर्विसेज रीस्टार्ट कर देंगे। ये तीन सर्विसेज यूज़ होंगी इसमें, प्रोसोडिटी, जिकोफो और जिट्सी वीडियो ब्रिज। ये तीन पैकेजेस हैं या तीन सर्विसेज हैं जो कि जिट्सी के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब आप दोबारा इसको लॉग इन करें, इसी में रूम को दोबारा लॉग इन करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मुझे रूम में इंटर होने से पहले यूज़र ने पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। लेट्स से मैं CUI वाला, आप इसको CUI से भी लॉग इन कर सकते हैं, ये CUI@vc.online.com इस यूज़र नेम से भी कर सकते हैं। अब जब आपने लॉग इन किया इसको और इसी लिंक को आप दूसरे टैब में ओपन करना चाहते हैं, प्राइवेट टैब में, लेट्स से इधर कहीं ओपन हुआ होगा, ये जिस तरह इसमें ऑलरेडी ओपन है, या काम कर देते हैं, ये फर्स्ट टैब का हाँ, चलें इधर लॉगिन किया और इधर भी कर लेते हैं। अब इधर लॉगिन करने के लिए मैं इसको दूसरा यूज़र कर देता हूँ, comsets1234 ये इसका पासवर्ड था। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने लॉगिन किया तो अब ये दोनों यूज़र लॉगिन हो चुके हैं एट अ टाइम एक ही कॉन्फ्रेंस में, लाइक दिस इब्राहिम और आईबीएम। अब ये दो यूज़र लॉगिन हैं और आप पहले यूज़र से नंबर ऑफ ये यूज़र देख सकते हैं कि किस तरह ये लॉगिन हुआ। अब इस एप्लीकेशन में और ये फीचर है कि आप ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस चैट भी कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन करना है तो उसके ये हैंड रेज कर सकता है, उसके बाद स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं किसी किस्म की भी स्क्रीन,
लेट से मैं पुटी वाली स्क्रीन शो कर देता हूँ। तो ये इस टाइम पे इस पार्टिसिपेंट को शो हो रही है। आप दूसरे साइड से भी देखें, यहाँ से शेयर हुई है तो ये दूसरे पार्टिसिपेंट को शो हो रही है कि आप स्क्रीन पे जो भी काम कर रहे हैं। लेट से मैं इधर कोई भी कमांड लगाता हूँ, तो ये पार्टिसिपेंट्स को इधर कमांड शो हो रही है। एक स्क्रीन थोड़ी स्लो है तो ये शो हो रही है। तो आप इस स्क्रीन को, ये सेकंड पार्टिसिपेंट है जिसने इनिशिएट की है, वो इसको डिसेबल भी कर सकता है। अब स्क्रीन इधर से डिसेबल होगी। तो ये इसके सारे फीचर्स थे। अब अगर आप इधर देखें तो इधर अभी डिफ़ॉल्ट जिटसी के अंदर आपके पास यूट्यूब वीडियो शेयरिंग है कि आप अपनी शेयर योर वीडियो, आपकी कोई भी वीडियो है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप इधर वीडियो शेयर कर सकते हैं यूट्यूब से। और इधर आपने लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग करनी है तो अभी वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप इस जिटसी के साथ जिबरी को इंस्टॉल नहीं करते। तो जिबरी का पैकेज हम इससे अगली क्लास के अंदर या लैब के अंदर हम दोबारा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जिबरी क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग फीचर कैसे इनेबल करते हैं। तो इस केस में आपने ये देखा है कि दोनों एंड के ऊपर एज अ क्रिएटर, लाइक अगर कोई बंदा कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर रहा है तब भी यूजर नेम पासवर्ड पूछा जा रहा है, और जब इस लिंक के थ्रू कोई भी आम गेस्ट इस लिंक को ज्वाइन करता है तो उस टाइम पे भी यूजर नेम पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो इसको आप डिस्कनेक्ट करें इस कॉल को और इस कॉल को, इन दोनों को मैंने डिस्कनेक्ट कर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं एक और ऑथेंटिकेशन की एक और टाइप होती है जिसके अंदर आप ये चाहते हैं कि ओनली टू नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर ज्वाइनिंग अ रूम वाइल स्टिल रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर क्रिएटिंग न्यू रूम। अगर हमने नया रूम क्रिएट करना है उस टाइम तो यूज़र ने पासवर्ड पूछा जाए, लेकिन जब कोई एक गेस्ट यूज़र है वो उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करना चाहता है तो हम गेस्ट यूज़र का लॉगिन ना बनाएं, वो गेस्ट यूज़र ऑटोमेटिकली लॉगिन कर ले। तो उस केस में आपने इधर चले जाना और इस फाइल में जाना है और इधर इंटरनल प्लेन आपने लिखा था। अब एंड पे आपने एक और वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना है, जिस वर्चुअल होस्ट में ये होगा कि आपने ऑथेंटिकेशन को एनोनिमस रख देना है गेस्ट यूज़र के लिए। वर्चुअल डोमेन आप ये क्रिएट करें guest.vc.online से, ताकि कोई भी बंदा उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करे तो उससे यूज़र नेम पासवर्ड ना पूछा जाए, जबकि अगर वो मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को क्रिएट करना चाहे तो उस टाइम पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जाए। एक तो इस फाइल में आपने चेंज करनी है, दूसरी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसकी मीट की। तो इस फाइल में आपने जाके एक लाइन कमेंट हुई है गेस्ट यूज़र के लिए ऑथेंटिकेशन, तो इसको आपने जिस डोमेन के ऊपर ऑथेंटिकेट करवाया guest.vc.online इंटरनल डोमेन vc.online.com control x y enter, तो इससे क्या हो गया कि आपने फाइल सेव कर दी। अब आपने ये सर्विसेज दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि जो चेंजेस अभी अप्लाई की गई हैं वो सारी अप्लाई हो जाए। अब हम इसको इस तरह भी टेस्ट करते हैं कि अगर मैं एक नया रूम क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से वी कॉल vc.online.com, एक प्राइवेट विंडो भी ओपन कर लेता हूँ। और इधर भी मैं खोल लेता हूँ vc.online.com।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया बनाता हूँ सिस्टम नेटवर्क। ये मैंने एक नई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग क्रिएट की। अब मैं जब क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझसे पहले यूज़र ने पासवर्ड पूछा जा रहा है क्रिएट करते हुए। लेट से मैं कॉन्सर्ट्स 1 2 3 पर पासवर्ड के थ्रू मैं अभी एक्ट एज अ इस मीटिंग में मैं एक्ट एज अ होस्ट कर रहा हूँ, होस्ट अकाउंट। अब मैंने सिंपल काम क्या करना है, मैंने यही वाला लिंक कॉपी करना है और एज अ गेस्ट लॉग इन करके देखना। अब मैं एज अ गेस्ट लॉग इन करूँगा तो विदाउट पासवर्ड कनेक्ट हो गया। तो इस लैब के अंदर हमने आज इधर तक ही देखना था कि हम जिट्सी को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये चीज़ हमने एंड में देखी है कि हम इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन किस किस टाइप की अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लैब के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि जिबरी को किस तरह अप्लाई किया जाता है और जिबरी को इंस्टॉल करने के बाद आप रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग के फीचर्स किस तरह इस डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में इनेबल कर सकते हैं। लाइक राइट नाउ इधर आपको रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग का फीचर शो नहीं हो रहा, तो जब आप जिबरी को इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे जिट्सी के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दो एक्स्ट्रा फीचर शो हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लैब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक्स।